जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस देश की बात ही कुछ और है। अगर इस देश के बारे में जानना है तो इसका पासपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इस देश के पासपोर्ट को माना जाता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। इस देश में बच्चों पर हाथ उठाना है सबसे बड़ा जुर्म, और अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे सीधा डाल दिया जाता है जेल में। इस देश में सड़कों पर दिखाई दे जाएंगे सबसे ज्यादा मूस। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा बर्फ का होटल, और टॉयलेट्स में यूज होता दिख जाएगा क्रेडिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, ये देश है स्वीडन, यूरोप का वो देश जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं स्वीडन की शानदार सफर पर। उत्तरी यूरोप के बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी के पश्चिम में बसा स्वीडन एक ऐसा देश है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के सबसे सुंदर और एक ही पल में अपना दीवाना बना लेने वाले देशों की जब कभी बात होती है तो स्वीडन का नाम इस लिस्ट में हमेशा से शामिल रहता है। इस देश की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य हमेशा से ही टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता नजर आया है। देश के चारों तरफ नजर घुमाने पर आपको बस हरियाली और प्रकृति का खूबसूरत नजारा ही दिखेगा, क्योंकि स्वीडन की करीब 2/3 जमीन जंगलों से घिरी हुई है। इन्हीं जंगलों में ऐसे कई खूबसूरत नदी, झरने और झील है जिनकी वजह से स्वीडन माना जाता है एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। स्वीडन की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क से मिलती है। दोस्तों, स्वीडन को लेकर एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि ये यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन काफी कम है। स्वीडन 4,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 1,27,00,000 के आसपास है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो स्वीडन में पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 25 ही लोग रहते हैं। इसके अलावा स्वीडन के शहरी क्षेत्रों में 80% से ज्यादा लोग रहते हैं और बाकी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। पर्यावरण के मामले में स्वीडन दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे प्रगतिशील देशों में से एक माना जाता है। इस देश में रहने वाले लोग दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी मेहनती होते हैं। इन लोगों को अपने काम से सबसे ज्यादा प्यार होता है, इसी वजह से यहाँ के लोगों को काफी सिंपल और मैनर्स वाले लोगों के तौर पर जाना जाता है। स्वीडन अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को आज तक फॉलो करता है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति के बाद स्वीडन की संस्कृति सबसे प्राचीन है। स्वीडिश लोग अपने देश की संस्कृति या परंपरा के मुताबिक पैसों के बारे में बात नहीं करते। अगर आप किसी भी स्वीडिश व्यक्ति से उसकी सैलरी या कमाई के बारे में पूछेंगे तो उसको असहज महसूस होगा। इसीलिए दोस्तों, स्वीडन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से आप कैसी भी बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन लोगों से उनकी सैलरी के बारे में आप ना ही पूछे तो बेहतर है। स्वीडन को एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन माना जाता है। इस देश की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं। हनीमून के लिए स्वीडन के बेहतर इसलिए भी रहते हैं क्योंकि ये देश खूबसूरत तो है ही, साथ ही खुशहाल भी है। इस देश का नेचर कुछ ऐसा है जो कपल्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है। फिर चाहे दिन हो या रात, हर समय यहाँ लोग अपना बेस्ट टाइम बिता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे पहले बताते हैं स्वीडन की राजधानी के बारे में। स्टॉकहोम को कहा जाता है स्वीडन देश की राजधानी, एक ऐसा शहर जो अपने देश की तरह ही खूबसूरत और अनोखा है। स्टॉकहोम का 73 वर्ग मील एरिया द्वीपों और पहाड़ियों पर फैला हुआ है। इसे देश का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन का सांस्कृतिक, मीडिया, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेंटर भी है। इस शहर में रहना इसलिए आसान है क्योंकि यूरोप के दूसरे शहरों के मुकाबले स्टॉकहोम की हवा और पानी सबसे ज्यादा शुद्ध और प्योर मानी जाती है। दुनिया के टॉप रैंक स्कूल और यूनिवर्सिटी इसी शहर में है, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी स्टॉकहोम मेट्रो भी इसी शहर में है। स्टॉकहोम 14 आइसलैंड पर बनी है, जहाँ पर 50 से ज्यादा ब्रिज है। झील के किनारे बसा ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की नीली पीली इमारतें आपको आकर्षित करेंगी। अगर किसी को विदेश घूमने का शौक है तो एक बार अपनी लाइफ में इसे स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों, स्वीडन के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। स्वीडिश पासपोर्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में 6 नंबर पर है। ये पासपोर्ट आपको वो फैसिलिटी देता है जो कोई दूसरा देश नहीं दे सकता। ये पासपोर्ट 188 देशों में बिना वीजा के एंट्री दिला सकता है, और तो और इन देशों में पहुंचने के बाद अन्य 33 देशों के लिए वीजा मिल सकता है। जिन लोगों के पास स्वीडन का पासपोर्ट होता है वो लोग ब्राजील, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट जैसे देशों में बिना वीजा के फ्री में एंट्री ले सकते हैं। इन सब के अलावा चीन, भारत और रूस ऐसे देश है जहां स्वीडन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा की जरूरत पड़ती है। इन तीन बड़े देशों को मिलाकर कुल 41 ऐसे देश है जहां स्वीडन पासपोर्ट के साथ वीजा की जरूरत पड़ती है। स्वीडन
पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली तो है ही, साथ ही इसको सबसे सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर भी जाना जाता है। स्वीडन को लेकर एक सबसे खास बात यह है कि इस देश की सरकार यहाँ रहने वाले बच्चों को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। यहाँ भूल कर भी माता पिता अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकते। इस देश में बच्चों पर अत्याचार करने के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं। 1950 से ही स्वीडन में टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स को मारना बैन था, जबकि 1979 में बने कानून के मुताबिक माता पिता और रिश्तेदार भी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। वहाँ बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के हिंसा पूरी तरह से बैन है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, स्वीडन में बच्चों से एडवर्टाइजमेंट कराना पूरी तरह से इलीगल है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में उसका और उसके माता पिता का स्वीडन की सरकार खुद पूरा ध्यान रखती है। यहाँ बच्चे के पैदा होने से पहले और बाद तक पेरेंट्स को कई तरह की सुविधाएं मिलती है। इसके लिए आपको स्वीडन का नागरिक भी होना जरूरी नहीं। अगर कोई इस देश में बस काम करने के लिए गए हैं तो भी उसको यहाँ के नागरिकों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। स्वीडन में बच्चा पैदा होने के बाद या बच्चा गोद लेने के बाद 480 दिनों की पेरेंटल लीव ले सकते हैं। स्वीडन के अलावा ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहाँ इतनी लंबी पेरेंटल लीव दी जाती हो। 480 दिनों के भुगतान के अलावा यहाँ लोगों को ये भी हक है कि वे बच्चे की उम्र 8 साल होने तक कामकाज के घंटे 25% घटा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि स्वीडन अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ ऐसी परंपराएं हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी ही एक परंपरा है फीका। इस परंपरा के जरिए स्वीडिश समाज में मेल जोल को बढ़ाया जाता है। फीका यानी कॉफी, केक या कुछ मीठे के साथ अपने सहकर्मियों और दोस्तों के बीच हल्की फुल्की चर्चा करना। स्वीडन के ऑफिसेज में इस परंपरा को सबसे अच्छे से फॉलो किया जाता है। इतना ही नहीं, फीका की भी एक टाइमिंग होती है। रोजाना दफ्तर में 2 बार कम से कम आधे घंटे का फीका ब्रेक लेना काफी आम होता है। स्वीडन में अधिकतर लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, इसीलिए फीका में कॉफी को सबसे अहम माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश हैं जहां पर कई दिनों तक रात नहीं होती? स्वीडन का नाम भी उन देशों में शामिल है। स्वीडन की कुछ जगहों में 100 दिनों तक रात नहीं होती। ये एक ऐसा देश है जहां आपको साल के 6 महीने तक सिर्फ सुबह ही देखने को मिलेगी। यहां मई से लेकर अगस्त तक सूरज नहीं डूबता और ढलता है तो आधी रात को। ऐसे में जो पहली बार स्वीडन जा रहे हैं उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके विपरीत स्वीडन में एक छोटा सा किरुना में दिसंबर से लेकर जनवरी तक सूरज नहीं उगता है। सिर्फ किरुना ही नहीं, स्वीडन में कई ऐसी जगह है जहां सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता। दोस्तों, मूस को स्वीडन का सबसे पॉपुलर एनिमल माना जाता है, जो एक प्रकार का हिरण है। ये जानवर स्वीडन की पहचान भी है, क्योंकि लोगों से ज्यादा तो आपको मूस स्वीडन के सड़कों पर ज्यादा नजर आ सकते हैं। जी हाँ, स्वीडन में इनकी संख्या लाखों में है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, स्वीडन में करीब 3 लाख से 4 लाख मूस हैं, जो अगर एक साथ मिल जाए तो इनका अलग देश बन सकता है। अगर आपका कभी स्वीडन जाना हुआ तो रोड पर घूम रहे मूस को देखकर चौंक मत जाइएगा, क्योंकि स्वीडिश लोगों के लिए ये आम बात है। दोस्तों, पूरी दुनिया में स्वीडन के म्यूजिक का काफी क्रेज है। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को कई फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट और बैंड दिए। स्वीडन को हैवी मेटल बैंड का घर भी माना जाता है। दोस्तों, स्वीडन से जुड़ा एक सबसे दिलचस्प फैक्ट ये है कि ये देश दूसरे देशों से अपना यहाँ कचरा इम्पोर्ट करता है। यानी कि स्वीडन दूसरे देशों से कचरा खरीदता है। स्वीडिश रिसाइकलिंग के मामले में इतना बेहतरीन है कि अपने देश के कचरे के साथ दूसरे देशों के कचरे को भी रिसाइकल करता है और इस कचरों को रिसाइकल कर बिजली बनाता है। इस देश में लोगों के घरों से निकले गए 1% कचरे को ही फेंका जाता है। कुछ सालों पहले तो स्वीडन में कचरे की इतनी कमी हो गई थी कि इस देश को ब्रिटेन से कचरा मांगना पड़ गया। दुनिया का पहला बर्फ का होटल स्वीडन में है। इस होटल में दीवार, फर्नीचर से लेकर सब चीजें बर्फ की बनी होती है। हर साल इसे दिसंबर से अप्रैल तक बनाया जाता है। आपको इस होटल में जाकर ऐसा लगेगा जैसे आप किसी बर्फ की दुनिया में आ गए। दोस्तों, भले ही स्वीडन जीडीपी के मामले में कहीं न टिकता हो, लेकिन ये एक ऐसा देश है जो अपने जीडीपी का 1% से ज्यादा हिस्सा डोनेशन में देता है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है स्वीडन का वीजा प्रोसेस और आपको स्वीडन की यात्रा करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको स्वीडन का पासपोर्ट 1 महीने से भी कम समय में मिल जाएगा। वहीं अगर बजट की बात करें तो दोस्तों, स्वीडन घूमने के लिए काफी महंगा देश है। अगर आप स्वीडन की यात्रा पर जाते हैं तो आपको एक हफ्ते का खर्चा 2 लाख रुपयों तक आ जाएगा। इस देश में स्वीडिश क्रोना करेंसी के तौर पर चलता है। स्वीडन में काफी कुछ देखने और करने के लिए है जो टूरिस्ट को यहाँ आने पर मजबूर कर देता है, इसीलिए स्वीडन थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन यकीन मानिए, स्वीडन देश आपके हर पैसे को वसूल देगा और आपके ट्रिप को बना देगा एक मेमोरेबल ट्रिप। तो दोस्तों, ये यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत और अनोखा देश स्वीडन है। इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखे आपने। क्या आपने पहले कभी विजिट की है ये जगह? अगर हाँ, तो आपको स्वीडन की कौन सी चीज सबसे खास लगी, कमेंट्स में जरूर बताएं।